स्टूडेंट्स, दिस सेशन इज फॉर बीजीएमसी फिफ्थ सेमेस्टर. सब्जेक्ट इज मास मीडिया राइटिंग स्किल्स एंड टॉपिक इज फीचर राइटिंग, टाइप्स ऑफ फीचर राइटिंग. अर्लियर वी डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ फीचर. नाउ आई वॉन्ट टू शेयर some slides so that you can easily understand about the topic. Types of feature. There are a number of ways to write a feature depending on what you want to focus on. Some of these include human interest. Many feature stories focuses on an issue as it impacts people. They often focus on one person or a group of people. Next is profile. This feature type focuses on a specific individual's character or lifestyle. This type is intended to help the reader feel like they have gotten a window into someone's life. Often these features are written about celebrities or other public figures. Next is instructional. This type of feature story teach readers how to do something. Oftentimes the writer will write about their own journey to learn a task, such as how to make a wedding cake. Historical. Features that honor historical events or development are quite common. Seasonal. Some features are perfect for writing about in certain times of year, such as the beginning of summer vacation or at the winter holidays, monsoon, etc. Behind the scenes, these features give readers insight into an unusual process, issue, or event. It can introduce them to something that is typically not open to the public or publicized. Iske alawa, trendy stories hai, like fashion, gadgets, mask. Aajkal mask, bahut sare designer masks bhi aa rahe hain, shoes, cycles, tattoos, or food items wagera. ट्रेवल राइटिंग, जिसको कि ट्रेवल फीचर, ट्रेवलॉग या ट्रेवल रिपोर्ट आज भी बोलते हैं, वो भी फीचर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. स्पेशलाइज्ड फीचर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हो सकता है, हेल्थ एंड वेलबींग, फूड, गार्डनिंग एक्सेट्रा. इसके अलावा पर्सनल एक्सपीरियंस आर्टिकल्स हैं, रिपोर्टाज हैं, बैकग्राउंड आर्टिकल्स हैं, फॉलोअप फीचर्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट्स है या फॉरेन कल्चरल एक्सचेंज जो होता है दो कंट्रीज के बीच में, उस पर कोई फीचर हो सकता है. अनयूजुअल हॉबीज पे हो सकता है, फेवरेट मूवीज पे हो सकता है. नाउ आई वॉन्ट टू शो दैट अ फीचर स्टोरी हाउ अपीयर्स इन अ न्यूज़पेपर. एज यू कैन सी, this page is showing a feature story and it was published in Times of India, Times City page pe publish hui thi. Aur iski headline hai, local action for a global cause. American youth collect dry waste in Pune, do their bit to conserve the earth on International Day of Climate Action. Is day par एक फॉरनर है जिसने कि वहां पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, एक मूवमेंट शुरू किया. अब आप देख सकते हैं इसमें मास्टहेड है, यानी पेपर का नाम. उसके बाद सब हेडिंग जिसे मैंने अभी भी पढ़ा, उसके बाद हेडलाइन है. सब हेडिंग आमतौर पर हेडलाइन के नीचे होती है, लेकिन थोड़ा सा चूंकि फीचर में क्रिएटिविटी की गुंजाइश होती है, ये फ्रीडम होती है राइटर को, पब्लिशर को, एडिटर को, कि वो उसे किसी भी तरीके से प्रेजेंट कर सकता है. इसके अलावा बाईलाइन है, इसमें आप देख रहे हैं ओपनिंग पैराग्राफ है,
जिसको कि हम लीड बोलते हैं। उसके बाद इसका बैकग्राउंड है जिसमें शॉर्ट पैराग्राफ्स हैं, डिटेल्स हैं, कोट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, और लास्ट में एक समरी दी हुई है, समरी ऑफ द रिपोर्ट। यानी इसमें एक कोई कंक्लूजन उसने रिपोर्टर ने, फीचर राइटर ने अपना दे रखा है। इसी तरह एक और आप देख सकते हैं, टॉप 10 टिप्स फॉर राइटिंग अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट। अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसको सजाया हुआ है इस पेज को, और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एक अच्छे फोटोग्राफ की मदद लेते हुए और बहुत ही अच्छी तरह इसको डिज़ाइन करके ग्राफिक डिज़ाइनर की मदद लेते हुए और रखा गया है। तो इस तरह की स्टोरीज फीचर हैं, और फीचर जब आप देखेंगे न्यूज़पेपर में तो अक्सर आपको इस तरह के मिल जाएंगे। अब बात करते हैं क्वालिटीज ऑफ अ फीचर स्टोरी बेस्ड ऑन व्हाट वी लर्नड अबाउट द फीचर। फीचर स्टोरीज आर डिस्क्रिप्टिव एंड फुल ऑफ डिटेल। क्लियर है ये? फीचर स्टोरीज जनरली हैव अ स्ट्रॉन्ग नैरेटिव लाइन, नरेशन होना चाहिए इसमें, एक स्टोरी टेलर की तरह फीचर बताया जाता है। फीचर स्टोरीज हैव ए स्ट्रॉन्ग लीड दैट ग्रैब्स रीडर्स एंड मेक्स देम वांट टू रीड ऑन। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें रीडर को अलग अलग तरीके की राइटिंग स्टाइल पढ़ने को मिलती है। राइटर के पास भी पूरा फ्रीडम होता है कि वो उसको किसी भी क्रिएटिव तरीके से